वो लोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे और वो आकर नंबर बुलाते हैं। वो नंबर गैस चैम्बर में जाते हैं। एक युवक है, उसका नंबर बुलाया जाता है। वो बहुत डर जाता है। एक रब्बी उसके पास आया और बोला, बेटा मौत से ऐसे मत डरो। कुछ दिनों बाद युद्ध समाप्त हो गया और ये व्यक्ति जीवित रहा। एक बहुत ही खूबसूरत घटना घटी। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बाद में इसके बारे में लिखा था। वो लोग जर्मनी के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे। ये दूसरे विश्व युद्ध की बात है और हर रोज वो बाहर आते। वो लोग आकर कुछ नंबर पुकारते। उन नंबरों को गैस चैम्बर में जाना होता। तो जब नंबर पुकारे जाते तो लोग यहां वहां छुपने लगते, उन्हें घसीटा जाता और पीट पीट कर ले जाया जाता। ये एक भयानक चीज है। तो आप नहीं जानते, क्या पता कल आपका नंबर पुकारा जाए। वो हर दिन इस डर में बिताते हैं, कल मेरा नंबर हो सकता है। क्योंकि उनके गैस चैम्बर की एक निश्चित क्षमता होती है, वो हर दिन सिर्फ उतने ही लोग ले जा सकते हैं। और दुनिया के लिए भी वो ये नहीं दिखाना चाहते कि एक पूरा कॉन्सेंट्रेशन कैंप एक ही दिन में मर गया। वो धीरे धीरे बीमारी से और इससे और उससे मरे। तो हर दिन 15-20 नंबर पुकारे जाते और उन्हें जाना होता। तो एक दिन वहां एक युवा व्यक्ति है, उनका नंबर पुकारा गया। वो आदमी बुरी कदर डर गया। वो जाना नहीं चाहता। वो कांप रहा है और रो रहा है। और ये एक रब्बी यानी एक यहूदी धर्म गुरु ने उनके पास आकर कहा, बेटे इस तरह डरो मत। और उन्होंने अपनी शर्ट उतारकर उसे दे दी। तुम मेरे नंबर वाली शर्ट पहन लो, मैं तुम्हारी पहन लेता हूं। उस डर में और मृत्यु की संभावना से अभिभूत हुए उस युवा ने अपनी शर्ट उतारकर उन्हें दे दी। रब्बी ने उसकी शर्ट पहनी और गैस चेंबर में चले गए। कुछ दिनों बाद युद्ध खत्म हो गया और ये व्यक्ति जीवित रहा। और असल में कोई और व्यक्ति आपकी शर्ट पहनकर चला गया। वो जिंदा रह सकते थे और ये व्यक्ति, उनका पूरा जीवन इस वजह से रूपांतरित हो गया कि वो रब्बी असल में गैस चेंबर में चले गए। ये बात अच्छे से जानते हुए कि जहां वो जा रहे हैं वहां से बचने की कोई संभावना नहीं है। When a man is like this, for him attaining is no problem. अगर कोई मनुष्य ऐसा हो तो उसके लिए आत्मज्ञान पाना कोई समस्या नहीं है। उसे गैस चैम्बर में जाकर मरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से इसे कोई बड़ी बात न बनाते हुए बस ऐसे जीना कि मैं खुद को एक तरफ रखकर अभी जो भी जरूरी है वो करने के लिए तैयार हूँ। अब इस आदमी के लिए परम तत्व को जानना मुश्किल नहीं होगा, बहुत सरल होगा। गौतम ने कहा, जब आप वाकई भूखे हैं, जब आपको भोजन की बहुत जरूरत है, तब अगर आप अपना भोजन किसी और को दे दें तो आप कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनेंगे। कोई भी तार्किक इंसान ऐसी बकवास को स्वीकार नहीं करेगा, पर यह 100% सच है। अगर आप जानते हैं कि किसी पल में जो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है
उसे कैसे देना है, तो यह आपको बहुत सक्षम और मजबूत बनाता है, ना कि कमजोर। अभी जो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, उस चीज को दे देना कोई छोटी ताकत नहीं है, ये एक जबरदस्त ताकत है ना? वो चीजें दे देना जो आपके लिए मायने नहीं रखती, उसका कोई मतलब नहीं है। जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, उसे दे देना ही सब कुछ है ना? Right now, what matters most to you is yourself, of course, isn't it? अभी जो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो आप खुद हैं, है ना? आप कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरी पत्नी, ये सच नहीं है। जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, वो आप खुद हैं, है ना? अगर आप अपने आप को दे सकते हैं, अगर आप खुद को किसी चीज में झोंक सकते हैं, इसलिए नहीं कि उससे आपको स्वर्ग का टिकट मिलेगा, इसलिए नहीं कि आपको इससे मुक्ति का एहसास होगा, किसी चीज की वजह से नहीं, बस दे देना। रमणा सेड आत्मज्ञानम अति सुलभम। आप जानते हैं, रमण महर्षि ने कहा था, आत्मज्ञानम अति सुलभम, परम को जानना, आत्मज्ञान सबसे आसान काम है। ये सच है, अगर आप ये जानते हो कि खुद को अलग कैसे रखना है तो। जब हम अपनी दहलीज से परे जाने का प्रयास करते हैं, तो इससे बहुत भ्रम पैदा होगा। जिन पहलुओं का आपके पास कोई उत्तर नहीं है, उनका उत्तर मैं दूंगा। आप बस प्रश्न को गहरा करें, आप बस अपने अंदर प्रश्न को बहुत तीव्र कर दें। उत्तर देने का काम मेरा है।